अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 810वां उर्स परवान पर है। ऐसे में राजनीतिक दलों के बड़े नेता भी ख्वाजा साहब के दर पर लगातार चादर पेश कर रहे हैं। इसी बीच आज ख्वाजा साहब की दरगाह में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और अध्यक्ष राहुल गांधी की चादर भी पेश की जाएगी। ये चादर लेकर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही कई कांग्रेस विधायक और पदाधिकारी ख्वाजा साहब की दरगाह में पहुंचेंगे। इस मौके पर उनकी ओर से भेजा गया संदेश भी पढ़ा जाएगा। तो माकन, गहलोत और डोटासरा आपको बता दें कि चादर पेश करेंगे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 810वां उर्स मनाया जाएगा। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चादर पेश होगी। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सिंह नेरुका हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। जी पिंटू, देखिए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 810वां उर्स मनाया जाएगा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की चादर भी पेश होगी, क्या कुछ अभी जानकारी? ठीक है जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 810वां उर्स परवान पर है। तमाम देशभर से जो बड़ी राजनीतिक हस्तियां हैं, बड़ी उद्योगपति, उन सब की तरफ से चादर पेश की जा रही है ख्वाजा साहब के दर पर। और आज कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तरफ से भी ख्वाजा साहब की चादर पेश की जाएगी। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है इमरान प्रताप गढ़ी, वो जयपुर पहुंच गए हैं, वो ये चादर लेकर जाएंगे और ख्वाजा साहब की चादर पेश की जाएगी। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से ख्वाजा साहब की चादर पेश की जाएगी। इस दौरान ख्वाजा साहब के दर पर सोनिया गांधी की तरफ से भेजा गया संदेश भी पढ़ा जाएगा। और ये हमेशा उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से चादर पेश की जाती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भी 5 फरवरी को कल ही ख्वाजा साहब के दरगाह पर चादर पेश की गई थी। तमाम देश भर से एक बड़ी तादाद में लोग ख्वाजा साहब के दर पर चादर पेश कर रहे हैं। हमेशा से ये एक परंपरा रही है और यही कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं गंगा जमुनी तहजीब की एक हमेशा से परंपरा रही है कि एकजुटता का संदेश ख्वाजा साहब की दरगाह पर देखने को मिलता है। एक दूसरे की संस्कृति और धर्म का सम्मान का ये सिलसिला लंबे समय से चलता आया है और सोनिया गांधी की तरफ से हमेशा उसमें यहाँ पर चादर पेश की जाती है। और अभी 810वां ये उर्स है, बड़े परवान पर है, तमाम बड़े देश विदेश से लोग यहाँ पर ख्वाजा साहब के यहाँ पहुंच रहे हैं, तो आज ये चादर पेश की जाएगी सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से। कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता है वो मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित इमरान प्रतापगढ़ी और जो प्रमुख नेता हैं राजस्थान के और बाकी वो यहाँ मौजूद रहेंगे। जी जी शुक्रिया पिंटू, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।